आज की वीडियो में देखिए रोज ग्लो फेशियल, यानी कि इन गुलाब के फूलों से फेस पर ग्लो कैसे लाया जाए। कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गजल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब की पूरी प्यारी प्यारी फैमिली बहुत खुश होगी। आई एम सॉरी, इस दफ़ा थोड़ी देर हो गई मुझे वीडियो अपलोड करने में, लेकिन मैं आप ही लोगों के लिए कुछ नया नया कुछ करने जा रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन थोड़ा सा सरप्राइज़ है वो, तो इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकती। और दूसरा ये कि मैं ये भी सोचती हूँ कि जब मैं कभी कोई वीडियो बनाऊँ तो मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे। तो आज जो है वो वीडियो ऐसी है कि उससे आपको ज़बरदस्त सा एक फ़ायदा पहुँचने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ अपना रोज़ फेशियल। अब आपको ये पता होगा कि फेशियल जो है वो कितना ज़रूरी होता है। जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारी स्किन का जो एक शेडिंग वाला जो अमल होता है ना, स्किन के जो डेड सेल्स जो शेड हो रहे होते हैं वो स्लो डाउन हो जाता है। तो उन सब प्योरिटीज़ को ऐसे लगेगा कि जब ये फेशियल आप करेंगे ना, तो वो डलनेस आपके फेस से जो एक पूरा फिल्टर होता है ना, मैला और डलनेस का फिल्टर, वो पूरा साफ हो जाएगा, आपकी फेस निखर आएगा, जैसे स्किन खिलखिला जाती है स्किन इस फेशियल के बाद। फेशियल तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है, महीने में एक दफ़ा ज़रूर फेशियल किया करें, ताकि जब आप मेकअप करते हैं, हम बाहर निकलते हैं, पोल्यूशन होता है, स्ट्रेस, की सारी इम्प्योरिटीज़ जो है ना हमारे फेस को बिल्कुल डलनेस की तरफ ले जाती हैं, और फेशियल से सारा क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। और जब आप अपने घर की भी सफाई करते हैं तो आपको घर कितना अच्छा लगने लगता है, सोचें। तो जब स्किन को पैम्पर करेंगे, स्किन की सफाई उस तरह से करेंगे फेशियल महीने में एक दफ़ा, तो आपकी स्किन भी खिलखिलाएगी, आपको स्किन बताएगी कि वो कितनी खुश है। तो आज हम करेंगे अपनी स्किन को खुश, और वो भी बहुत ही सस्ते तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल चीज़ों से, कोई केमिकल नहीं होगा। आपको ईद भी आने वाली है, आपको सलोन्स जाकर महंगे महंगे फेशियल केमिकल्स अपने फेस पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो क्रीम्स होती है ना, उसको हम उसकी खुशबू है, उसके जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा हम फंस जाते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आने लगता है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं। अंडा लगाएंगे तो उसकी स्मेल, कोई चीज़ लगाते हैं तो उसकी आपकी स्मेल तंग करती है, लेकिन ये फेशियल आपको लगेगा जैसे कि आपने सलोन में कोई फेशियल कराया है। एरोमा थेरेपी भी आपके साथ साथ होगी, क्योंकि इनमें इतनी अच्छी खुशबू है, और मैं फेशियल करते हुए इतना मैं इंजॉय कर रही थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं वो मसाज और वो सारी चीज़ें मैं ख़त्म करूँ। रोज़ फूल जो है, गुलाब के फूल, हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास इतने अच्छे गुलाब के फूल मिलते हैं, और इतनी अच्छी इसमें खुशबू है कि ये जो फेशियल मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये ना सिर्फ स्किन पर ग्लो तो लाता ही है, और वो भी बजट फ्रेंडली, यानी कि ये सारे फूल जो है ना, ये आधे फूल हैं, आधे मैंने फेशियल में यूज़ किए हैं, और सारे फूल 100 रुपये के हैं, ठीक है। अब सोचें आप कि मैंने जो ये अलग से हैं 50 रुपीज़ के, और 50 रुपीज़ कितने हो गए, 50 रुपये फेशियल के लिए, और जिसमें आपने बहुत दफ़ा फेशियल करेंगे। कितने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो सजेस्ट करते हैं खुद कि आप फेस पर अर्के गुलाब लगाएं एज अ टोनर, एज अ मॉइस्चराइज़र, एज अ हाइड्रेट करती है स्किन को, उस तरह से आप लगा सकते हैं। एंशियंट ब्यूटी क्वीन क्लोपेट्रा, जो कि इजिप्शियन क्वीन थी, और वो अपनी स्किन केयर रूटीन में इन फूलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। साइंटिफिकली प्रूवन है कि गुलाब में, गुलाब के जो फूल होते हैं, हमारे स्किन के रूटीन के हवाले से इनमें बहुत सारे बेनिफिट्स पाए जाते हैं। हमारे स्किन के पीएच लेवल को बेहतर करते हैं, हमारी स्किन को एक ब्राइटर टोन की तरफ ले जाते हैं, हमारी स्किन की इम्प्योरिटीज़ को साफ़ करने में बहुत हेल्प करते हैं, मतलब कि बेतहाशा इनके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे इनके फ़ायदे हैं। लेकिन आज देखिएगा कि जो मैं फेशियल करती हूँ ना, सिंपल सा सिर्फ 2 स्टेप्स वाला फेशियल, वो क्या आपकी स्किन को एक इम्प्योरिटीज़ वाला फिल्टर हटा के एक खिलखिलाएगी स्किन आपकी। अच्छा, अब जल्दी से शुरू करते हैं ये रोज़ फेशियल, और पहले स्टेप की तरफ चलते हैं कि आपने अपना फेस, किसी भी फेस वॉश से, जैसे भी आप फेस साफ करती हैं, वो आपने धो लिया फेस, और उसके बाद हम बनाएंगे रोज़ का क्लेंजर। बहुत ही आसानी के साथ बनेगा, आपने इसकी चंद पत्तियाँ ले लेनी है। अगर के आप 4-5 लोग हैं घर में वो करना चाहें, तो आप ढेर सारे गुलाब के फूल ले सकते हैं, लेकिन आप थोड़े से भी ले सकते हैं, यानी कि 3-4 फूल भी ले लिया आपने तो काम हो जाएगा आपका, पत्तियाँ, और अगर पत्तियाँ भी मिले तो वो भी चल जाएंगी। और बाय द वे, सिर्फ यही नहीं, अगर आपके गार्डन में वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के रोज़ेस हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सारे रोज़ेस में ऑलमोस्ट मोर और लेस वही जो है ना, वो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो अगर आपको ये वाले रोज़ेस अवेलेबल ना हो तो आप कोई से भी रोज़ेस ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी पत्तियाँ ली, और उसके अंदर मैंने डाला रोज़ वाटर, ठीक है। आपने थोड़ा लेना है, अगर मैंने तो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया, अगर आप ब्लेंडर में ब्लेंड ना करना चाहें, वैसे इसको कूटना चाहें, तो थोड़ा सा आप रोज़ वाटर उसमें डाल के, एक चम्मच, थोड़ा सा एक थोड़ी सी पत्तियों को लेके आप कूट सकते हैं, बिल्कुल पेस्ट चाहिए हमें,
ठीक है। अब पेस्ट जो है वो बन जाता है, जब ब्लेंडर में बहुत इजीली बन जाता है पेस्ट, तो मैं पेस्ट बना के उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, और वो मैं बार बार जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं एक छोटा सा आइस क्यूब निकालती हूँ उसका, रोज़ का, और वो उसको फिर मैं फेशियल कर लेती हूँ, किसी भी चीज़ में डालना है। बताती रहूँगी आगे कि मैं इसका वो भी बनाती हूँ ना, रोज़ वाटर भी घर में बनाती हूँ, बहुत डिफरेंट तरीके से, आपने वो तरीका शायद नहीं देखा होगा, वो मैं अपना वो तरीका यूज़ शेयर करूँगी आपके साथ, और बेहतरीन किस्म का आपको रोज़ वाटर भी मिलेगा। लेकिन आज ये फेशियल शेयर कर रही हूँ तो उसके मैं स्टेप्स बता दूँ। रोज़ पेटल्स का जो पेस्ट है जिसमें हमने थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के उसको पेस्ट बनाया है, वो वाला ले लेंगे एक चम्मच, 1 टीस्पून, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून राइस फ्लावर, यानी कि चावलों का आटा, पिसावा चावलों का जो आटा होता है वो आप आधी चम्मच ले लीजिए, उसके अंदर मिलाइए। क्लेंजर को आपने अपने धुले हुए फेस पर मसाज करना है बहुत अच्छे तरीके से। ये आपकी डेड लेयर जो होती है ना, स्किन की सेल्स होते हैं डेड, जो वैसे नहीं झड़ते हैं, और वक्त के साथ साथ ये प्रोसेस स्लो डाउन भी हो जाता है, उसकी वजह से हमारा फेस थोड़ा सा डल डल लगने लगता है और रौनक ख़त्म हो जाती है, तो इसी वजह से भी होता है। तो आपकी वो डेड लेयर जो है वो आराम से क्लीन होती जाएगी, बिल्कुल इम्प्योरिटीज़ आपकी स्किन की साफ़ हो जाएंगी इसके करने से। आपने अपने नेक पर, अपने फेस पर अच्छी तरह से इस क्लेंज़र को मसाज करना है बहुत अच्छे तरीके से, और जब आप मसाज कर लें 5-10 मिनट का, और साथ साथ इंजॉय भी करें, इसकी जो खुशबू थी ना वो मैं आपको बता नहीं सकती, एरोमाथेरेपी जैसे होती है ना, जैसे हम महंगे महंगे सलोन्स में जाते हैं, अपना फेशियल कराते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, या महंगी महंगी क्रीम्स, ब्यूटी क्रीम्स लेते हैं जिसमें वो खुशबू होती है ना, वही आपको मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी फीलिंग आएगी। तो आपने वो क्लीन कर लिया अपना फेस उससे, उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए। अच्छा, अब दूसरा जो स्टेप है उसमें हम बनाएंगे अपनी मसाजिंग क्रीम बनाएंगे रोज से, लेकिन उससे पहले हम अपने स्किन के जो पोर्स हैं, जो जिनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ अगर फंस गई हैं, वो बंद हैं, क्लॉग हो गए हैं, या वाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स बन गए हैं, तो उनको ओपन करने के लिए हमें थोड़ी सी स्टीम देनी पड़ती है फेस को। उसके भी 2-3 तरीके हैं, अगर आपके पास स्टीमर है, जैसे मेरे पास हैंड स्टीमर है जिसको मैं, मल्टीपर्पज़ स्टीमर है, हम यकीन करें एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, और मतलब कि जान आज़ाद हो जाएगी आपकी, आपकी आपके इतने काम आएगा, ये आपके कपड़े इस्त्री करेगा, आपके पर्दों को इस्त्री करेगा ये स्टीमर। बालों को मैं स्टीम देती हूँ जब कोई चीज़ अप्लाई करती हूँ, कोई मास्क कुछ, और फेस के लिए इनफैक्ट जब थोड़ी सी हल्का सा मुझे जैसे होता है ना, कभी ज़ुकाम होता है, कुछ होता है, गला ख़राब होता है, हम स्टीम लेते हैं, मैं वो भी इसी से लेती हूँ। तो ये मेरा मल्टीपर्पज़ स्टीमर है, मैं इसका लिंक शेयर करूँगी आपके साथ, अगर आप देखना चाहें कि किस तरह का स्टीमर है तो उस लिंक को क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे अगर स्टीमर आपके पास नहीं है कोई मसला नहीं है, आप दो और तरीके हैं स्टीम देने के, या तो आपने देगची को पानी बॉईल करके हल्के से, जब वो बॉईल हो जाए ढक के उसको बॉईल कीजिएगा, और जब वो बॉईल हो जाए तो हल्का हल्का ढक्कन हटाइएगा बहुत एहतियात के साथ, कि जलने का ख़तरा होता है। ये स्टीमर और ये जो स्टीम दी जाती है थोड़ा सा फासले पर दी जाती है, बहुत एहतियात के साथ, बच्चे आसपास ना हो तो ये आप ज़रा कर लीजिएगा केयर। और या इसके अलावा बहुत आसान तरीका ये है कि गर्म पानी से एक तौलिया निचोड़िए साफ़ सुथरा, उसको स्किन फेस पर रख दीजिए 1-2 मिनट के लिए, तो ये पोर्स वैसे ही ज़रा ओपन हो जाते हैं हल्के हल्के से। स्टीम तो दे दिया, उसके बाद हमने मसाजिंग क्रीम बनानी है, वही रोज़ का जो पेटल्स का जो हमने पेस्ट बनाया था वही पेस्ट एक चम्मच ले लीजिए, और उसमें आप ऐड कीजिए जो क्रीम होती है, फुल क्रीम मिल्क होता है, बालाई जिसे हम कहते हैं, मलाई, वो आपने आधी चम्मच लेनी है। फ्रेश दूध की अगर आपको मलाई मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, मैं फ्रेश चीज़ों को बहुत एडमायर करती हूँ, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं फ्रेश जो दूध की जो क्रीम होती है वो मैंने आधी चम्मच ली है, एक चम्मच मैंने रोज़ पेटल का पेस्ट लिया है, और उसको मिक्स कर लीजिए। अब उससे आपने मसाज करना है, ये आप मसाज करेंगे आपके स्किन के जो पोर्स हैं सारे मज़ीद क्लीन व्लीन होके बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, आप यकीन करें, और उसके बाद आपके फेस पर का क्या ग्लो आएगा। अच्छा, उसके बाद बाय द वे ये जो मसाज आपने कर लिया उसको इंजॉय कीजिएगा, इसकी जो फ्रेग्रेंस है फूलों की उसको, उसका मज़ा लीजिएगा। उसके बाद अपने फेस को सिर्फ पानी से वॉश कर लेना है आपको, पानी से वॉश करने के बाद अच्छी तरह से उसको क्लीन करना है, ताकि वो जो एक क्रीमी क्रीमी सा एक ऑयल, अगर आपको स्किन ड्राई है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऑयली स्किन है तो बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको क्लीन करना है। मैं तो टिश्यू पेपर के साथ क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी आपकी स्किन थोड़ी ऑयली है वो क्रीम की वजह से, बालाई की वजह से, तो आपने कोई टॉवल पानी से निचोड़ लेना है, या कॉटन के पैड्स होते हैं उनको आप निचोड़ के क्लीन करके अपना पूरे फेस को क्लीन कर दें, आपकी स्किन पर जो ग्लो आएगा मैं बता नहीं सकती। लेकिन जो हमारे पोर्स हैं ना उनको हमने ओपन किया है जो स्टीम देकर, उनको श्रिंक करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं अपना रोज़ वाटर फ्रिज में रखती हूँ ताकि ठंडा हो जाता है, उसका मैं स्प्रे करती हूँ तो एकदम से श्रिंक हो जाते हैं।
आपके पास अगर रोज़ वाटर नहीं तो आप आइस भी ले सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, उससे भी श्रिंक हो जाते हैं। लेकिन रोज़ वाटर अगर है, क्योंकि रोज़ स्पेशल है, तो उससे आपको एक खुशबू भी आएगी इसकी और इसके फ़ायदे भी पहुँचेंगे। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये कम्प्लीट हो गया फेशियल, कितना आसानी के साथ दो स्टेप्स वाला फेशियल। तो ये करके देखिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप जिस तरह से मुझे मज़ा आया, मैंने मज़े ले लेके और स्किन की मेरी एक डलनेस ख़त्म होगी, स्किन बिल्कुल ग्लो आगे आ जाता है स्किन पर। ईद आने वाली है तो कोई सैलून में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपने पैसे खर्च करने की, जेबों को खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेचुरल चीज़ों से बजट फ्रेंडली फेशियल जो आपको एक एरोमाथेरेपी भी दे रहा है आपको और आपकी स्किन को एक ग्लो दे रहा है, एक ब्राइटनेस, एक इम्प्योरिटीज़ की एक फ़िल्टर हटा रहा है, तो इससे बढ़ के क्या चाहिए आपको, है ना। तो ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अपना ख्याल रखिएगा, मैं बहुत जल्द मिलूंगी एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अब तक अल्लाह हाफिज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो राउंड सर्कल में मेरा फेस नज़र आ रहा है इसे क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी सारी मज़े मज़े की वीडियोज़ देख सकें सबसे पहले। और अब आप मुझे यूट्यूब के साथ साथ गज़ल सिद्दीक़ ऑफिशियल फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।